करनाल के सेक्टर 6 में बिजली विभाग में कार्यरत जेई दिनेश रलन जो है एक बार फिर से जो है लापता हो गए थे, और लापता होने के बाद पुलिस की कई टीमें जो है उनको ढूंढ रही थी, जिसके बाद जो लापता हुए जेई हैं दिनेश रलन उनको जो है ढूंढ लिया गया है। और उनके बाद जब पुलिस ने जो है तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि जो दिनेश रलन है उनके खिलाफ इंद्री थाना में जो है 2 मामले दर्ज थे, जिससे बचने के लिए जो है कहीं ना कहीं 3 बार जो है लगातार ये घर से लापता हो जाते थे और पुलिस को जो है मिसगाइड करते थे। पुलिस की कई टीमें जो है कई राज्यों में जो है कई बार तलाश कर चुकी है और दोनों बार जो है पहले भी अपने आप लापता हुए और घर से जो है वापसी घर पहुंच गए थे, और अब तीसरी बार भी जो है 17 जनवरी को ये लापता हुआ और पुलिस की कई टीमें उनको ढूंढती रही, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी और सख्ती बरती तो उसके बाद जो है दिनेश रलन जो लापता हुए थे जो बिजली विभाग में जेई है वो अपने आप वापस लौटे, और जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। क्या मामला था सर इसका, जो जेई है क्या नाम है और क्या कुछ मामला दर्ज हुआ है? ये जेई है जी, सेक्टर 6, उसमें ऑफिस है इनका सेक्टर 6 में करनाल में, और ये 3 शुरू में गया था, 3 बार ये जा चुका है अपने घर से, सेक्टर 14 का रहने वाला है ये। पहले 10 जनवरी को अपने घर से चला गया था बिना बताए, और जब भी ये घर से जाता है तो अपना फ़ोन बंद कर लेता है, घर वाले यूँ परेशान हो जाते हैं कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया। तब तो ये आ गया था वापस, और उस टाइम कोई मुकदमा वगैरह नहीं दर्ज हुआ था, लेकिन ये बात आ गई थी कि बंदा मिसिंग है। उसके बाद ये 29 जनवरी को चला गया था और इसने अपना मोबाइल बंद कर लिया था। 29 जनवरी को हमने 365 का मुकदमा दर्ज किया था इसकी पत्नी के बयान पे, और अगले दिन इसने मैसेज भेजे थे 30 तारीख को, एक मैसेज इसने इसके लड़के के फ़ोन पे भेजा, एक इसकी पत्नी के फ़ोन पे भेजा, और एक भेजा इसके मुकेश जेई के फ़ोन पे कि मेरा किडनैप कर लिया है किसी ने। मैंने पहले जब मैं टीम के साथ लोगों की घरों की चोरी बिजली की पकड़ी है, और जिन लोगों ने हैवी अमाउंट इसके एवज में दिया है तो उन लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया, और वो कह रहे हैं कि ये पैसे तुमसे वसूल किए जाएंगे। अब तो उसको मुकेश को इसने भेजा कि 4 लाख दो, इसके लड़के को इसने भेजा कि 3 लाख दे दो, तैयार रखो और पुलिस को मत बताना। तो उस टाइम इसने एक गाड़ी का नंबर दिया था कि SS फार्म के पास से मुझे एक स्कॉर्पियो गाड़ी उठा कर लेगी, 3 बंदे उसमें थे। तो पुलिस इसके कहे अनुसार उस दिन से उनके पीछे थी, स्कॉर्पियो गाड़ी का पता किया, वो फर्जी नंबर था क्योंकि आज तक उसका पता ही नहीं लग पाया। और जो इसने बताए थे उसके अनुसार इसने बताया था कि पहले दिल्ली गए, फिर हिसार गए, इस तरीके से वहाँ भी पुलिस ने हर जगह जाके अपनी छानबीन की, लेकिन कोई पता नहीं लग पाया। अब फिर ये 17 तारीख को घर से चला गया, पहले सुबह सुबह ऑफिस गया, उसके बाद वापस घर आया, और उसके बाद घर से चला गया। तो इसकी पत्नी ने फिर वही दरख्वास्त दी कि मेरा बंदा तो उन्हीं बंदों ने इसका किडनैप कर लिया है। तो इसके घर गए, CCTV कैमरे में इसकी फुटेज हमने देखी, इनके घर CCTV कैमराज लगे हुए हैं, कैमरे में खुद बंदा जा रहा है, ऊपर से इसका बेटा बल्कि इससे बातचीत कर रहा है, और ठीक ठाक अपने घर से गया है। तो वहाँ जाके फिर इसने घर फ़ोन किया कि उन्हीं आदमियों ने मेरा फिर अपहरण कर लिया, और वो फिर यूँ कह रहे हैं कि पुलिस को मामला मत बताना, और अभी मैं इनके साथ हूँ, ठीक ठाक हूँ, मारपीट कोई नहीं। तो कल फिर इसकी जैसे ही फ़ोन थोड़ी देर के लिए इसने फ़ोन घर करने के लिए ऑन किया, हमने इसकी लोकेशन निकलवाई, साइबर सेल की सहायता ली, और इसके पीछे टीमें बना के हमने रवाना कर दी। तो जहाँ ये थोड़ी देर फ़ोन ऑन करता था फिर बंद कर लेता था, इस तरह से हमने पीछा किया और इसको ट्रेस कर लिया। अब आके इसने बताया कि क्योंकि इसके खिलाफ 2 मुकदमे इंद्री थाने में दर्ज हैं, 406, 420, 66, 68, 71 वगैरह के, एक मुकदमे में इसकी एंटीसिपेटरी बेल हो चुकी है, दूसरे मुकदमे में इसको शामिल तफ्तीश करने के लिए 29 जनवरी का टाइम दिया गया था तब, और उस दिन ये इसलिए भाग गया कि पुलिस मेरे को अरेस्ट करेगी क्योंकि उसमें कंप्लेनेंट कोई एडवोकेट है। उस काम से बचने के लिए इसने ये करा कि पुलिस का ध्यान मैं इस मुकदमे में भटका दूँ अपहरण वाले में, ताकि पुलिस का ध्यान मेरी तरफ ही रहेगा और मुकदमे में मेरी अरेस्ट नहीं होगी। तो उस टाइम ये वहाँ से चला गया, और अब फिर इसने यही बताया कि अब फिर मेरे को एक तो मुकदमे का डर था, और एक बंदे से मैंने पैसे लेने थे वो मेरे नहीं दे रहा था, वो भी जेई है कोई, मुकेश जेई, इसके ऑफिस में ही। अब फिर ये चला गया, मतलब ये बार बार चला जाता है पुलिस को गुमराह करने के लिए, ताकि इसको पुराने जो इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उनमें अरेस्ट ना करे और ध्यान भटका दे और शहर में एक अराजकता का माहौल फैला दे। क्या नाम है इसका, कहाँ पर? ये दिनेश रलन नाम है इसका, जेई है, सेक्टर 6 में इसका ऑफिस है। तो क्या कार्रवाई की गई? सेक्टर 14 का ही रहने वाला है। अब इसके 164 के हमने बयान करवा दिए मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उसमें भी इसने बताया कि मैं अपने आप ही घर से जाता हूँ और मुकदमे के डर से मैं ये सब ड्रामा रचता हूँ। तो अभी इसके खिलाफ हमने 193 और 170 के तहत कार्रवाई की है, कल इसको पेश किया जाएगा, उसमें हमने इसको अरेस्ट किया, और जो इंद्री में जो मुकदमे हैं उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई।